वतु सह नौ भुनक्तो सह वीर्यं करवा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषवहये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रे श्रोतागण ऐत्र ब्राह्मण के वैज्ञानिक भाष्य वेद विज्ञान आलोक नमक ग्रंथ की पूर्व पीठिका प्रिफेस का सातवा अध्याय प्रारंभ करते हैं अध्याय का शीर्षक है वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान अब तक हमने छह अध्याय में विस्तार से अनेक चर्चाएं की एक अध्याय में आधुनिक सृष्टि विज्ञान की समीक्षा की जिसको कुछ लोगों ने कहा केवल खंडन हो रहा है अपनी बात नहीं बताई जा रही तो अपनी हमारी थ्योरी क्या है इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं यद्यपि हमारी थ्योरी जो वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स या वैदिक रश्मि थ्योरी नाम से हम संबोधित कर सकते हैं ये संपूर्ण ग्रंथ में वर्णित है जो कुल अट्ठाईसौ पृष्ठ का है लेकिन प्रिफेस में हमने एक अध्याय के रूप में उसका अति संक्षिप्त सार रूप में लिखा है उसी को यहां उसी की यहां चर्चा करेंगे आधुनिक विज्ञान क्या कहता है या उसमें क्या क्या कमियां हैं ये हमने जान जाना लेकिन वैदिक विज्ञान क्या कहता है इस पर विचार नहीं किया वैदिक विज्ञान अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानता शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करता वैदिक विज्ञान की दृष्टि से तीन सत्ताएं अनादि हैं अविनाशी हैं। पहली इनमें से दो चेतन है और एक जड़ है दो चेतन ईश्वर और जीवात्मा इन दोनों को एक मिलाकर के संबोधित करें तो पुरुष कहा जाता है और दूसरी सत्ता जड़ है उसको प्रकृति कहा जाता है सांख्य में से प्रकृति पुरुष कहा है और कुछ लोगों ने सांख्य को अनिश्वरवादी मान करके पुरुष से जीवात्मा का ग्रहण किया प्रकृति से प्रकृति का है ही यह उचित नहीं है सांख्य पुरुष के दो वेद स्वीकार करता है वैदिक विज्ञान की दृष्टि से किसी भी कार्य के मुख्य तीन कारण होते हैं निमित्त कारण साधारण कारण और उपादान कारण निमित्त कारण जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न अर्थात करता और जिसके लिए बनाया जाए अथवा जो साधन काम में लाया जाए उसे साधारण कारण कहेंगे जीवात्मा जीवात्मा के लिए सृष्टि बनाई ईश्वर को स्वयं सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है वह पूर्ण है अकाम है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है जो सूर्य को बनाएगा उसको स्वास्थ्य लेने की आवश्यकता नहीं जो हवा को बनाएगा उसको रहने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए ग्रह बनाएगा उसके लिए भोजन की आवश्यकता नहीं जो वनस्पतियों का वनस्पतियों को बनाएगा वह किसी और के लिए बनाता है और क्या है जो और है वह अभी चेतन है। क्योंकि जड़ जड़ का उपयोग नहीं कर सकता हम देखें एक मकान मकान के लिए नहीं हो सकता किसी चेतन के लिए होता है एक मशीन अपने लिए नहीं हो सकती दूसरे के लिए हो सक होती है जल अपने लिए नहीं किसी दूसरे की प्यास मिटाने के लिए होता है इसलिए ईश्वर जिसके लिए बनाता है वह साधारण कारण है और वह चेतन है उसका नाम जीवात्मा जो संख्या में अनेक है असंख्य और जिस पदार्थ से वह सृष्टि की रचना करता है जिस पदार्थ से सभी गैलेक्सियां बनी जिस पदार्थ से मॉलिक्यूल्स बने एटम्स बने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बने क्वार्क्स बने फोटॉन्स बने और अगर कोई स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग्स बनी संपूर्ण स्पेस मैटर एंड एनर्जी जिससे बने वह मूल पदार्थ उपादान कहलाता है उपादान कारण आधुनिक सृष्टि में तो उपादान कारण का पता नहीं कि क्या है उपादान लेकिन वैदिक सृष्टि उपादान कारण का प्रमुख नाम है प्रकृति प्रकृति किसको कहते हैं कैसा है यह पदार्थ आपने अब तक महादेव शिव और महेश भगवान ब्रह्मा के मंदिरों में जाकर के पूजा की होगी मूर्तियों की वह ठीक नहीं है एक तो यह ईश्वर के नाम है और दूसरा इस नाम के बहुत बड़े महापुरुष हुआ हुए थे वर्ग से उन दोनों की पूजा चित्रों की लेकिन चरित्रों की नहीं की आज हम चरित्र की पूजा करते हैं उनके ज्ञान की पूजा करते हैं पूजा अर्थात उसका उपयोग करना पूजा के भी अनेक अर्थ है जब पूजा <laughs> किसी चेतन की की जा रही हो ईश्वर की की जा रही हो तो पूजा कर तो उपासना क्योंकि ईश्वर को किसी मिष्ठान खानपान धूप दीपक से कोई लेना देना नहीं है कोई आवश्यकता नहीं उसके कोई अंग है नहीं उसके उसकी उपासना का नाम पूजा है और यदि माता पिता विद्वान आ आदि लोगों की पूजा करनी हो या और किसी व्यक्ति की पूजा करनी हो उसका अर्थ है उसका सेवा सत्कार करना और पूजा जड़ पदार्थों की करनी है तो सूर्य की पूजा करनी चंद्र की पूजा करनी पृथ्वी की पूजा करनी वनस्पतियों की पूजा करनी इसका अर्थ है इसका इन सब पदार्थों का उचित उपयोग लेना पूर्वक परोपकार के लिए उपयोग करना यह इनकी पूजा है सूर्य पर जल चढ़ाना पूजा नहीं है सूर्य की किरणों का उचित उपयोग करना यह पूजा है चंद्रमा की शीतल किरणों का उपयोग करना पूजा है भूमि को उर्वरा बनाकर वनस्पतियों को उगाना पूजा है वनस्पतियों को स्वस्थ खाद और पानी देना यह उनकी पूजा है और महापुरुषों के चित्र मूर्तियों से प्रेरणा लेना भी पूजा है उनको साफ सुथरे रखें लेकिन उनको चेतन मान के व्यवहार ना करें क्योंकि वह चेतन नहीं है और दुष्ट की पूजा करत वो अपराध के अनुसार दंड देना ये उसकी पूजा है परिवार के सदस्यों की पूजा कर उनका उचित सम्मान और रक्षण संरक्षण देना पूजा है तो यहां हम भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा कभी हुए महापुरुष ईश्वर तो अभी भी है ईश्वर के भी ये नाम है लेकिन जो महापुरुष हुए जिनकी चर्चा महाभारत रामायण आदि ग्रंथों में है इतिहास में है वे कितने बड़े वैज्ञानिक थे हम ये दर्शाने का प्रयास करते हैं महादेव शिव जिनको उनके भक्त बड़े दुर्भाग्य से मादक पदार्थों का सेवन करने वाला न जाने क्या क्या करने वाला बताते हैं वो सुने ये बहुत बड़ा अपराध है महादेव से बहुत बड़े योगी महात्मा और महान वैज्ञानिक थे बड़े सिद्ध पुरुष थे वे अपनी धर्म पत्नी भगवती उमा जी से प्रकृति पदार्थ के गुणों का विवेचन करते हुए कहते हैं और ये इस बात को भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए धर्मराज दृष्टि को सुनाते कि महादेव जी ने अपनी धर्म पत्नी देवी जी से क्या कहा महादेव जी कहते नित्य में कमो व्यापे क्रिया ही नेतुक अग्रह्यन्द्रे सर्वरे तदव्यक्त लक्षण अव्यक्तम प्रकृति मूलम प्रधानम यो निरव्ययम अव्यक्त नाम शब्द पर्याय वाचक महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व एक सौ मध्य पृष्ठ संख्या छह हजार चौदह गीता प्रस गौरवपुर महर्षि ब्रह, भगवान ब्रह्मा क्या कहते हैं प्रकृति के बारे में तमो व्यक्तम शिवम धाम रजो योनि सनातन प्रकृतिर्विक प्रलय प्रधान प्रवाप्यय अनुद्रिक्तमनून वापि अकंप सद ध्रुव सदस्य तत्व अव्यक्तुण स्मृत ये महाभारत आश्रमेधिक पर्व अनुगीता पर्व अध्याय उन्चालीस श्लोक तेईस और चौबीस ये दोनों महापुरुषों ने उस मूल पदार्थ का बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन उसका जो वर्णन किया है एक एक शब्द पर हम विचार करते हैं पहला नित्य वह प्रकृति पदार्थ है वह नित्य है अर्थात उसकी उत्पत्ति कभी नहीं होती एटर्नल और वह कभी नष्ट भी नहीं होता न कभी उसका अभाव होता है न कभी जन्म होता है वह सदैव से है और सदैव बना रहेगा एनर्जी मैटर कंजर्वेशन लॉ भंग हो भंग हो सकता है और बहुत सी चीजें भंग होती लेकिन प्रकृति बहुत सारी चीजें जन्मती हैं प्रकृति के अतिरिक्त इस सृष्टि में जो भी जड़ जो भी है जो भी जड़ पदार्थ है वह कभी न कभी उत्पन्न हुआ है केवल प्रकृति ही ऐसा पदार्थ है जो कभी उत्पन्न नहीं होता न कभी नष्ट होता चेतन की बात नहीं कर रहा चेतन तो न उत्पन्न हो सकता है न नष्ट हो सकता है लेकिन चेतन में विकार नहीं आता प्रकृति में विकार आता है दूसरा गुण होता है एक यह पदार्थ एक रूप होता है अनंत वॉल्यूम में एक जैसा एक रस भरा होता है इसमें कोई फ्लक्चुएशन वाइब्रेशन कहीं कंसंट्रेट हो कहीं डायल्यूट हो ऐसा नहीं होता है कहीं विरल है कहीं सघन है ऐसा नहीं होता है महाप्रलय की अवस्था में यह पदार्थ अनंत आयतन में एक जैसा सब जगह व्याप्त होता है उसमें कहीं भी कोई स्पेशलिटी नहीं है कोई विशिष्ट विशिष्टता नहीं है हर जगह एक सा है मानो संपूर्ण एक ही पदार्थ हो और तीसरा नाम आया अणु वह पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था है इस ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म अवस्था जो अणुओं से बना अणु एटम से बने एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि से बने वे क्वार्क आदि से बने फोटोन बने जिससे बने स्ट्रिंग स्ट्रिंग से बने स्पेस बना जिससे बना इनका सबसे छोटा विभाग करते 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 कर मन से भी विवाह करें तो अंत में जो पदार्थ बचता है उसका नाम है प्रकृति वह सबसे सूक्ष्म उससे सूक्ष्म कोई अवस्था कल्पना में भी नहीं हो सकती यद्यपि क्वार्क और स्ट्रिंग की कल्पना करना भी साधारण कार्य नहीं है लेकिन इनकी कल्पना की जा सकती है फिर भी लेकिन प्रकृति कितनी सूक्ष्म है उसकी कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क से बाहर की बात है चौथा गुण है व्यापी यह पदार्थ सब जगह व्यापक होता है कहीं है कहीं नहीं है ऐसा नहीं है अहेतुक अगला प्रकृति का विशेषण बताया महादेवी ने आहेतुक उसका कोई कारण नहीं होता वह पदार्थ किससे बना कोई कारण नहीं है वह स्वयं होता है जैसे ईश्वर जीव स्वयं हुए किसी ने नहीं बनाए वैसे प्रकृति भी किसी ने नहीं बनाई उसका कोई कारण नहीं है ईश्वर इसको विकृत अवश्य करता है प्रेरित अवश्य करता है लेकिन ईश्वर प्रकृति को नहीं बनाता है और नहीं बना सकता है ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने का अर्थ यह नहीं है कि वो कुछ भी कर देगा उसके भी अपने नियम होते हैं उसके भी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं नियमों के अंतर्गत ही वह कार्य करता है प्रकृति को कोई नहीं बनाता और न कोई नष्ट कर सकता है अगला विशेषण बताया अग्राह्य इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य इंद्रियों के द्वारा उसे कभी भी ग्रहण नहीं किया जा सकता कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए कितना ही विकास हो जाए उसको कोई भी किसी भी तकनीक से कभी ग्रहण नहीं कर सकता इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण केवल योगी कर सकता है योगी किसके द्वारा ग्रहण कर सकता है आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकता है अन्य किसी के द्वारा उसका ग्रहण संभव नहीं है इसलिए अग्राह्य इंद्रिय लिखा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता उस इंद्रिय में मन भी सम्मिलित है मन के द्वारा भी इसका ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि हम मन से भी सूक्ष्म है आठवा जो विशेषण है अव्यक्त इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कैसा है इतना कहने के बावजूद भी वह अव्यक्त है क्योंकि उसके विषय में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता जैसे हमने कहा हमने अर्थात महादेव जी महादेव जी के कथन को हमने उद्धृत किया एक है एक रस भरा पदार्थ कोई पूछे वह पदार्थ कैसा है तो अव्यक्त है और अव्यक्त का एक बड़ा आश आश्चर्यजनक अर्थ किया है बहुत सुंदर अर्थ किसने किया महर्षि व्यास जी महाराज ने महाभारत में व्यक्त का अर्थ किया है और व्यक्त का उल्टा अव्यक्त व्यक्त की परिभाषा करते हुए महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व में अध्याय 236 श्लोक 30 में महा भगवान व्यास जी महाराज लिखते हैं प्रोक्त तद व्यक्त जायते वर्धते च य चतुर्भिर म्रियते चतुर्लक्षण जो जायते जो जन्म लेता है जो वर्धते बढ़ता है जीर्यते जो पुराना होता है और जो मरता है ये चार लक्षणों से युक्त जो पदार्थ होता है उसे व्यक्त कहते हैं वैसे व्यक्त शब्द का अर्थ है जिसको जिसके विषय में कहा जा सके सामान्य अर्थ यही है लेकिन ऋषियों के अर्थ बड़े गंभीर होते हैं उनके निर्वचन बहुत गंभीर होते हैं एक एक शब्द में महान विज्ञान भरा होता है वही विज्ञान महादेव जी ने यह प्रदर्शित किया कि व्यक्त किसको कहते हैं जो उत्पन्न होता है जो नष्ट होता है जो बढ़ता है और जो पुराना होता है उसको व्यक्त कहते हैं और प्रकृति है अव्यक्त इसका अर्थ क्या हुआ प्रकृति न जन्म लेती है ये हम बता चुके पहले भी प्रकृति में वृद्धि नहीं होती वह पदार्थ जितना है उतना ही रहेगा वह कभी बढ़ेगा नहीं और घटेगा भी नहीं और वह पदार्थ कभी पुराना भी नहीं होता हर पदार्थ की आयु होती है मैं जड़ पदार्थ की बात कर रहा हूं सूर्य आदि तारों की आयु है पृथ्वी आदि ग्रहों की आयु है उपग्रहों की आयु है क्षुद्र ग्रहों की आयु है जिनसे बने हैं उनमें भी खर जाएंगे मॉलिक्यूल्स की भी एक आयु है एटम्स की भी आयु है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की भी आयु है भले हम नहीं जानते उसको कुछ की आयु को तो जानते हैं फोटॉन्स की आयु है स्पेस की आयु है कभी न कभी नष्ट हो जाएंगे इनकी एक निश्चित आयु है लेकिन प्रकृति की कोई आयु नहीं है जब तक और जब तक है अर्थात अनादि काल तक इसमें पुरानापन नहीं होता हर चीज पुरानी हो जाती है और पुरानी होकर नष्ट हो जाती है हमारे आपके शरीर सभी वनस्पति तारे भी बूढ़े होते हैं नष्ट हो जाते हैं लेकिन प्रकृति कभी वृद्ध नहीं होती वृद्धा नहीं होती कभी पुरानी नहीं होती तो प्रकृति न जन्म लेती न मरती न वृद्ध होती है और न बढ़ती है उसमें कोई वृद्धि होती है इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं मूल एक अगला नाम प्रकृति का मूल इस सृष्टि में जो भी जड़ पदार्थ हैं हमारी गैलेक्सी अरबों ऐसी गैलेक्सी उनके तारे सभी कुछ स्पेस सब जिस पदार्थ से बने हैं सबकी जड़ जो है वो है प्रकृति उसको इसलिए उसे मूल भी कहा प्रधान अगला नाम दसवां नाम है प्रकृति का प्रधान ये महादेव जी ब्रह्मा जी दोनों को लेके चल रहे महादेव जी के नाम शायद पूरे हुए अभी महादेव जी के प्रधान जो संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल पदार्थों को प्रकृष्ट रूप से धारण करने वाला है हम सोचते हैं कि सभी लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स धारण करता है कुछ लोग कहते हैं कि डार्क मैटर धारण करता है लेकिन जो धारण करता है उसको कौन धारण करता है इसके लिए महादेव जी कहते हैं प्रधान उसको प्रधान विशेषण वाला पदार्थ प्रकृति धारण करता है और प्रकृति को धारण ईश्वर करता है वो अलग विषय है लेकिन यहां जड़ धारण करने वाले पदार्थों में जो मुख्य है जो प्रधान है जो अंतिम धारण करने वाला जड़ पदार्थ है वो है प्रकृति इसलिए उसे प्रधान कहते हैं जहां भी पदार्थ है जहां भी ब्रह्मांड है वहां प्रकृति है जहां ब्रह्मांड नहीं है वहां भी प्रकृति है प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर भी है प्रकृति प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर भी है इसलिए हर सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ को धारण करने वाला पदार्थ है योनि प्रकृति सबकी योनि है अर्थात सबकी उत्पत्ति वहीं से होती है सबका निवास उसी में है सारे लोग संपूर्ण ब्रह्मांड उसी पदार्थ में उत्पन्न हुआ है उसी पदार्थ में रहता है उत्पत्ति और निवास स्थान दोनों ही प्रकृति ही है हम जानते हैं कि हर पदार्थ सृष्टि का हर पदार्थ विद्युत आवेशित कणों का समूह मात्र है और विद्युत आवेशित कणों के आसपास एक फील्ड होता है फील्ड क्या है? से कोई नहीं जानता लेकिन फील्ड के भी आसपास जो रश्मियां होती हैं वो आगे हम चर्चा करेंगे उनके भी आसपास उनके उनको भी उनके बाहर और अंदर जो पदार्थ व्याप्त है वो है प्रकृति जैसे पानी के अंदर बुलबुला है या पानी के अंदर जलीय जीव है उन जीवों के अंदर भी जल है बाहर भी जल है या पानी के अंदर लहरें हैं उनके अंदर अंदर भी जल है बाहर भी जल है तो प्रकृति सबको सब ओर सब से घर बना हुआ प्रकृति सबका घर है सबका आवास है उत्पन्न भी उसीम होते और अगला विशेषण आया अव्यय प्रकृति कभी क्षीण नहीं होती कभी न्यून नहीं होती संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाए उसके उपरांत भी प्रकृति में क्षीणता न्यूनता नहीं आती वह अनंत है सृष्टि और प्रलय सभी अवस्था में वो उतना ही रहता है जितना था उतना ही रहेगा और अगला विशेषण आया अब यह ब्रह्मा जी का प्रारंभ हुए तम ऐसा पदार्थ जो इतना अंधकारपूर्ण है जितना अंधकारपूर्ण अन्य कोई पदार्थ इस सृष्टि में संभव नहीं इतना अंधकारपूर्ण पदार्थ है कि उससे अंधेरा कहीं संभव नहीं हम अगर किसी कमरे में बंद हो एकदम अंधेरा हो अमावस्या की रात बादलों से आच्छादित रात कमरे के अंदर बंद कर जाए उसके अंदर किसी बॉक्स में बंद कर अथवा हम पृथ्वी के केंद्र में चले जाए कहीं भी चले जाए जितना अंधेरा हम अनुभव कर सकते हैं उन सबसे ज्यादा अंधकारपूर्ण अवस्था वाला पदार्थ है प्रकृति और एक विचित्र विशेषण दिया भगवान ब्रह्मा जी ने व्यक्त अभी तो कहा व्यक्त और इन्होंने कह दिया व्यक्त ऐसा लगता व्यक्त का यहां तात्पर्य क्या है कि यूं तो प्रकृति अवस्था में महाप्रलय अवस्था में कोई भी लक्षण नहीं रहता उसको कह नहीं सकते लेकिन इतना कह सकते हैं अंधकार पूर्ण कोई पदार्थ है उसका तमस गुण अवश्य रहता है तमस गुण भी अंधकार का सूचक है और प्रकृति का भी नाम एक अंधकार है तमस है तम है इसलिए उसको व्यक्त कहा गया है और यह अव्यक्त पदार्थ ही व्यक्त रूप में प्रकट होता है सृष्टि के रूप में जन्म लेता है सृष्टि के रूप में बढ़ता है घटता है सृष्टि के रूप में समाप्ति होता है जो व्यक्त के लक्षण बताए थे वे लक्षण यहां उस पदार्थ से उत्पन्न पदार्थ में होते हैं ब्रह्मांड में होते हैं इसलिए उसको व्यक्त कहा है इस अव्यक्त से एक व्यक्त पदार्थ का निर्माण होता है यह व्यक्त पदार्थ का मूल होता है और तमसरूप होता है इसलिए इसको व्यक्त का है, ताम, ताम तो सारे गुण है? कि साम्यावस्था में प्रकृति के सारे गुण साम्यावस्था में होते हैं तो तमस गुण कहां से आया? हां तमस गुण के दो लक्षण है एक तो इनर्शियल गुण प्रतिरोधक गुण वह नहीं होता लेकिन एक अंधकार गाढ़ अंधकार वह अवश्य होता है प्रतिरोधक गुण तो नहीं है जो तमस का एक लक्षण है गुण का भी एक लक्षण लेकिन गाढ़ अंधकार की अवस्था अवश्य रहती है इसलिए ही प्रकृति का एक नाम तमस भी है तम भी है तो उसी को यहां कहा है कि तम है इसलिए उसको व्यक्त भी कहा है और दूसरा कारण यह हो सकता है व्यक्त कहने का कि यही पदार्थ ब्रह्मांड के रूप में घटता बढ़ता जन्म लेता और नष्ट भी होता है स्वयं नहीं होता लेकिन इससे विकृत जो इससे विकृत होकर के जो पदार्थ बना है उनमें अवश्य ऐसा होता है इसी कारण इस अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त भी कह दिया है जैसे पदार्थ को सत असत दोनों रूपों में देखते हैं वो आगे आएगा कि पहले सत था अथवा असत था ये उपन सदों में प्रश्न आया है तो सत था क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती लेकिन असत भी था क्योंकि वह सत भी असत के समान वर्तमान था नहीं के बराबर था नहीं के समान था क्योंकि वह कुछ कर नहीं रहा था उसकी व्यवहार उसका व्यवहार में कोई उपयोग नहीं था इसलिए उसे असत भी कह दिया वैसा यहां अव्यक्त को व्यक्त कहने का अर्थ भी समझना चाहिए आज का समय ये समाप्त हुआ शेष चर्चा कल ओम शम